बहराइच से खबर है जहां एक नाबालिग लड़की के साथ बीजेपी नेता समेत उसके सहयोगी ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। बहराइच के सांसद अक्षय लाल गौड़ के दरवाजे पर पहुंची नाबालिग युवती ने फपक कर रोते हुए भाजपा नेताओं पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। युवती का यह आरोप है कि बहराइच के भाजपा नगर उपाध्यक्ष हरि गुप्ता और उसके सहयोगी पवन पाल ने मिलकर एक मामले में मदद करने का भरोसा देकर दुष्कर्म कर डाला। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो भाजपा नेता और उसके सहयोगियों ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी और कहा कि इस घटना का जिक्र सार्वजनिक किया तो पूरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। आप बोलिए। जैसे सर, मतलब हम लोग प्रतिज्ञा मैम से मिलने आए हैं सर, लेकिन सभी भाजपाओं से हमें अनुरोध है कि हमारी मदद किया जाए। मैं अपने लड़की को लेकर सर मैं कहाँ जाऊँ? सब तीन तीन चार चार लोग इन लोगों के साथ बलात्कार किए हैं, दो लोग जो है सर। और ये बताइए कि मतलब हम इस बेटियों को कहाँ लेकर जाएं? कोई हम लोगों की सुनवाई नहीं कर रहा है। इन लोग नेताओं के दबाव में सभी लोग, हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है सर। जो है नाम नीलम पाल। क्या नाम आपका? नीलम पाल। क्या घटना हुई है आपके साथ में और कहाँ आई सर? मेरे साथ बलात्कार हुआ है। मैं यहाँ प्रज्ञा बहन से मिलने आई हूँ सर। इतना दबाव था भाजपा नेताओं का कि सर मेरा पहियार यहाँ रिश्ता थाने में नहीं हुआ। हम लोग पहले लखनऊ से पहियार करवा के विवेचना की दौड़ पे यहाँ आए सर। इतना दबाव है हम लोग के ऊपर कि मेरे अब हम लोग का जीना वो हुआ है सर। कल विवेचना के लिए हम लोग जा रहे थे, वहाँ भी हम लोग के पीछे दोनों लोग पड़े थे। कौन-कौन लोग हैं जिन्होंने आपके साथ में ऐसा काम किया? हरि गुप्ता, ये नगर उपाध्यक्ष है भाजपा के नेता, और पवन पाल। क्या धमकी मिल रही है आपको? जान से मार देंगे मेरे पिताजी को। 376 के मुकदमे में मेरे पिताजी को और मेरे दो भाइयों को फर्जी मुकदमे में, ये नारपारा की एक मुस्लिम नाम की लड़की है सूफिया, उसके तरफ से ये 376 का मुकदमा मेरे पिताजी के ऊपर लगा दिया है। अभी आप कहाँ आई हो? मैं यहाँ मिलने आई हूँ प्रज्ञा मैम जी से। प्रार्थना दोनों है कि सर हमारी मदद कीजिए, जो है भाजपा नेताओं से भी हमारी यही अपील है कि हमारी मदद कीजिए सर। जो है सर मेरे पिताजी और मेरे भाई, मेरे बुआ जी सब लोग हैं, उन लोग के सब लोग की हत्या करने की चाल है सर। हम लोग कहाँ जाए? हम लोग सुसाइड करने के मोड़ पे आ गए सर। हम लोग की मदद कीजिए। नहीं करेंगे तो हम लोग सारे मिट्टी का तेल डाल के हम लोग खुद ही जला देंगे, तो हम सब कहाँ जाएंगे? कोई सुनने के लिए हमारी तैयारी ही नहीं है।